बच्चे ध्यान देंगे क्लास फिफ्थ हिंदी व्याकरण में पहला पार्ट में है भाषा और व्याकरण। तो भाषा जो है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने मन के भावों एवं विचारों को पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों के मन के भावों एवं विचारों को समझ सकते हैं। भाषा ही उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अतः भाषा का समान अर्थ व जो बोला जाता है वह भाषा है। हम अपने मन के विचारों को जब बोलकर प्रकट करते हैं तो इसका देवनियात्मक रूप भाषा कहलाता है। यही भाषा के भी व्यक्ति की प्रारंभिक रूप है। और भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा उसका उदाहरण है, क्लास में टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो मौखिक भाषा हो गया। लिखित भाषा हो गया जब ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिख रहे हैं तो वो हो गया आपको लिखित भाषा। एक होता है सांकेतिक भाषा, जो हम इशारा से करते हैं, स्कूल की घंटी बजना और ये गार्ड को ये हरी झंडी दिखाना, ये सब जो है सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जब हम मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा है, लिखित भाषा के अंतर्गत हम अपनी लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे लोग पढ़कर इसे समझते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ हिंदी लिखित भाषा के कारण ही सुरक्षित है, जैसे रामचरितमानस, श्री भगवद गीता। अब आपका है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीखते हैं। व्याकरण ये वह शास्त्र जो हमको आपको सही सही उच्चारण कराता है लिखने में और पढ़ने में और बोलने में। और व्याकरण के तीन भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक विचार। वर्ण विचार है, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उनके भेद, उनके उच्चारण, स्थान आदि पर विचार किया जाता है। और शब्द विचार है, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, उनके भेद एवं प्रयोग आदि का विचार किया जाता है। वाक विचार, वाक विचार के अंतर्गत वाक्यों के भेद, बनावट, प्रयोग आदि का विचार किया जाता है। वर्ण विचार वो है, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि वर्ण होता है ऐसे कि कौख गोगो जो हुआ ये वर्ण हुआ, और वर्ण जब मिलता है तो क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द जब मिलता है तो क्या बनता है? वाक बनता है। वर्ण जैसे मिला, शब्द बना क ल म कलम, और उसके बाद शब्द बना मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये वाक बन गया, तो वर्ण हो गया। वर्ण जब मिलता है तो शब्द बनता है, शब्द जब मिलता है तो वाक्य बनता है।